जब हम उस बार माइनक्राफ्ट खेल रहे थे तब आपको पता होगा तो हमने ये ही बना, ये घोड़ा यहाँ पे आया था उसको हमने पाल लिया। और आपको पता होगा कि ज़ॉम्बी स्पॉन होते और इधर घुस ना जाए इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। आपको पता होगा इधर राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा लहरा दिया था और साथ साथ में आपको पता होगा को ये सैनिक भी बॉडीगार्ड भी हमने लगा दिए थे और आपको पता हो तो ये बुक्स भी लगा दिए थे। और इस बार इस तरफ भी ऐसा कर दिया था, सभी मैंने समुद्र में बनाया था, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ तक काम पूरा हो गया था हमारा इस प्रधानमंत्री हाउस का, तो इधर से बाकी था। तो चलो गाइस अब हम ये पूरा करने लगते हैं। आपको पता होगा कि जहाँ पे ये काला ब्लॉक लगेगा उसके सामने ये वाइट ब्लॉक लगेगा और साथ साथ इधर मैंने लिए है, इधर मैंने साथ नहीं नहीं इधर मैंने साथ लिए है और उस दीवार के साथ में जो थे इधर वाइट थे तो इधर ब्लैक, इधर वाइट थे तो इधर ब्लैक, ऐसे मैंने कर दिया था, तो आपको पता ही होगा, पता है ना। तो गाइस अब ये अकेला ही बाकी है और वो जो काम था वो तो मैंने पूरा कर दिया। तो और ये हो गया छत की दीवार पूरी। अच्छा छत की दीवार पूरी हो गई है, अब नीचे की दीवार स्टाइल हमें लगानी है। तो चलो अंदर इस बार नए अंदाज में चलते हैं। आ गए इधर तो बहुत अंधेरा ही, तो सबसे पहले हम उजाला करते हैं। क्या लेंगे हम, ये ले लेते हैं, लैंप ले लेते हैं और टॉर्च ले लेते हैं, बाद में तो डेकोरेशन तो हम बाद में भी कर। तो गाइस मैंने थोड़ा उजाला तो कर दिया है, अब नीचे इधर इस पानी में मैं कौन सा ब्लॉक लगाऊँ वो मेरे को सोच रहा है। चलो हम देख कर आते, मेरे को ये दिमाग में आता है कि ये वाला ब्लॉक लगा दे, तो चलो मैं ये लगा देता हूँ एक बार चेकिंग के लिए, बाद में आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब देख सकते हो कि मैंने नीचे ये स्टाइल भी लगा दी है और ऊपर ये लैंप भी लगा दे ये है, आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कितना अच्छा हमारे जो क्या बोले इसको, अब जो भी बोल सकते हो वो बोले। मेरा दोस्त इधर आया था, उससे बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का घर नहीं बनाना है, अब इधर एक बड़ा सा जो आप मल्टीप्लेयर खेलने का भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो मेरे दोस्त आएंगे इधर, तो इधर का जो भी लीडर होगा वो इधर भाषण देगा, किसी को भी नहीं आता उसी को रूल्स सिखाएगा और सभी लोग हो गए यहाँ पर बैठेंगे। इधर इतनी सारी मैंने कुर्सियाँ भी लगा दी है, आपको क्या करना है, ऐसी कुर्सी चाहिए तो ऐसा दो कोई भी लगा देना है उसको, ये खिड़कियाँ जैसी लगा देनी है, समझ गई है आप। और ये आखिरी ब्लॉक और आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मैं मीटिंग हाउस। 10 सेकेंड रुक जाओ। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे महल में, यानी कि मीटिंग हाउस में। बाहर से इतना सुंदर तो किसी को भी नहीं लगता और किसी को सोचने भी कि इतनी क्षमता नहीं होगी कि अंदर कितना सुंदर सा मीटिंग हाउस है।
आपको ये तो मैंने दिखा दिया था और बना रहा था तब भी आपको पता था। ओके, तो हम जा रहे हैं अंदर हमारे मीटिंग हाउस में। तो हम सबसे पहले हमारा शंख बजाएंगे, महाराज धीराज, ऐसा शंख बजेगा, आप एक बार गौर से सुनना। सुन लिया? अब देखो हमारा मीटिंग हाउस, देख सकते हो आप कितना सुंदर बना है हमारा मीटिंग हाउस। और हम तो इधर के लीडर हैं, इसलिए हम यहाँ जाकर बैठ लेंगे और सभी का आदेश देंगे। तू इधर क्यों घुस गया बे? नहीं हुआ, मेरा निशाना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा निशाना से वो मर नहीं रहा। पर वो सोच भी नहीं सकता कि वो कितना नसीबदार है, क्योंकि आज हम इसको मार के रहेंगे। तो गाइस, इधर जो भी लीडर होगा वो इधर विराजमान होगी, और लीडर जिसको भी ऊपर लीडर बनाएगा वो इधर बैठेंगे, और ऊपर लीडर दो होंगे जो उस तरफ भी बैठ सकेंगे। एक उप लीडर इधर बैठेंगे और दूसरा उप लीडर उधर बैठेगा, और वो दूसरा उप लीडर हाफ लीडर मंत्री बनाएगा। मंत्री, उस मंत्री को इधर विराजमान होना होगा, और दो दो मंत्री बनेंगे, एक मंत्री इधर विराजमान होंगे, दूसरे मंत्री उधर विराजमान होंगे, और एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा कागज कारखाना। उसको सभी ध्यान में रखना होगा, और उप लीडर हाफ लीडर मंत्री को बताना होगा, और वो बताएंगे लीडर साहब को कि क्या क्या हो रहा है आज, क्या क्या करना है। इसके पास ये सभी लाइब्रेरी, ये सभी पुस्तक रहेंगे। तो अब देख सक कितने सभी ये हमारे आएंगे दोस्त खेलने, उसके लिए हमने ये मीटिंग हाउस बनाया है। बाहर से तो इतना सुंदर नहीं लग रहा, पर अंदर से इतना सुंदर है कि आप किसी के बाहर देखकर उसकी विचार शक्ति इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो अंदर का ऐसा नज़ारा अपने मन में स्थापित कर सके। तो इधर हमको एक माइक भी लगाना है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो आपको ये कैसा लगा कि हमारा ये मीटिंग हाउस, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जाकर बताना। और ये मैंने किस लिए बनाया है ये आपको मैं दिखा कह देता हूँ, क्योंकि इधर जब तक लीडर नहीं आएंगे तब तक इधर विराजमान होना पड़ेगा, किसी भी हो, चाहे वो हाफ लीडर क्यों भी ना हो, उसके लीडर की प्रतीक्षा में इधर ही उसको रुकना पड़ेगा, और जब लीडर उधर से इधर आए तभी उसके साथ जाना होगा। सभी अंदर एक साथ घुसेंगे, लीडर अपनी जगह पर और सभी लोगों अपनी जगह पर। तो आपको यह हमारा मीटिंग हाउस कैसा लगा आप हमें कमेंट में जाकर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।